हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये थम सॉक्स बनानी सिखाऊंगी। बहुत ही आसान है ये बनाने में। ये देखिए बहुत ही सुंदर इसकी लुक है फ्रेंड्स। एंकल लेंथ में बन के कम्प्लीट होती है। ये देखिए, ये इसका पीछे का हिस्सा है, ये साइड का है और ये आगे से, तो बहुत ही स्मार्ट लगती है। पहनी हुई किसी भी चप्पल स्लीपर में आप इसे पहन सकते हो और किसी भी साइज में आप इसे तैयार कर सकते हो। ये देखिए, तो फ्रेंड्स ये डिज़ाइन समझने के लिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए। मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी शुरू से लेके एंड तक कि मैंने इसको कैसे बनाया है। और ये आपको पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने 10 नंबर की मैंने इसमें नीडल्स का यूज किया है और ये मैंने 2 कलर इसमें लिए हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस से कोई भी आप 2 कलर ले लीजिए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक नोट लगा ली है, इतना बड़ा मैंने थ्रेड इसमें ले लिया है। तो अब देखिए, सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे फ्रेंड्स। फंदे हम बिल्कुल ही सिंपल तरीके के डालेंगे। हम यहाँ पर एक नोट लगा लेंगे। ये देखिए, एक फंदा हमारा नोट से हो गया। राइट हैंड में नीडल पकड़ेंगे, लेफ्ट में ऐसे थ्रेड पकड़ लेंगे और ऐसे हम इसमें फंदे डाल लेंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे फ्रेंड्स मैं इसमें 51 फंदे डाल लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको आगे का बताऊँगी। ये देखिए, 51 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। 51 फंदे डालने के बाद देखिए, हम इसे ऐसे उल्टा उल्टा बनाएंगे। आपको कोई भी बॉर्डर पसंद है आप वही बॉर्डर यहाँ पे बनाइए फ्रेंड्स। एक उल्टे एक सीधे का भी आप बॉर्डर बना सकते हैं। मैं इसमें दोनों साइड से उल्टा उल्टा बना के ये बॉर्डर बनाऊँगी। ये देखिए, पूरी रो में ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाऊँगी। ये देखिए, पूरी रो मैंने बना ली है, एंड में आ गई हूँ बिल्कुल। किनारे वाले को हम, ये जो हमने नोट से लगाया था ये वो फंदा है, ये देखिए इसको हम सीधा बना देंगे, पलट लेंगे। ये देखिए हमारी सीधी साइड है, ये हमारी उल्टी साइड है। तो फर्स्ट वाले फंदे को हम हर बार ऐसे ही उतार लेंगे और इस साइड से भी हम इसे ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। इस रो को भी मैं ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाऊँ। ये देखिए, एंड में आ गई हूँ मैं इसमें। सेकंड रो है मेरी, ये किनारे वाले को सीधा बना देंगे। ये देखिए, जब फ्रेंड्स हम 2 रो बनाएंगे तो ये एक हमारी लाइन बनके कंप्लीट होगी। तो ऐसे ही मैं इसमें 3 लाइन और बनाऊँगी, माना इसमें मैं 6 रो और उतारूँगी। सीधी तरफ से उल्टी तरफ से गिने तो 6 रो, और अगर आप ये लाइन गिनो तो मैं 3 लाइन और बनाऊँगी। तो मैं ये 4 लाइन का बॉर्डर बनाऊंगी, टोटल हमारी 8 रो हो जाएंगी। तो मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए, 1, 2, 3, 4 ये मैंने इसमें 5 लाइन बना ली है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं इस साइड से आई हूँ। उल्टी साइड ये हमारी है, सीधी साइड से डिजाइन स्टार्ट होगा, तो इसलिए ये एक लाइन आपको और अलग दिखाई दे रही है। ये देखिए, इस साइड से गिने तो 1, 2 ये हमारी फंदे वाली लाइन है, 1, 2, 3 और ये 4, और एक के ऊपर एक्स्ट्रा है। तो देखिए, आप यहाँ पे फ्रेंड 6 लाइन भी बना सकती हैं, 5 भी बना सकती हैं, 4 भी बना सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ये देखिए, अब हम यहाँ से जितना आपको चौड़ा बॉर्डर पसंद है उतना ही रखिए। इसको हम सीधी साइड से ऐसे सीधा बनाएंगे। ये देखिए, ये आगे मैं 25 फंदे में ऐसे ही सीधे सीधे बनाऊंगी। मैं इसको यहाँ तक बनाऊंगी। ये देखिए, 25 फंदे मैंने उल्टे उल्टे बना लिए हैं। ये हमारे बीच का फंदा है, तो बीच वाला फंदा देखिए हम कैसे बनाएंगे। ये यहाँ से ऐसे नहीं बनाएंगे फ्रेंड्स, इसको एक रो नीचे से इसमें से बनाएंगे। ध्यान से देखिए, हम इसको एक बार बना देंगे, एक फंदा बढ़ा लेंगे, 2 हो गए हमारे, फिर से डालेंगे नीडल। ये देखिए, 3 हो गए, फिर से बढ़ा लेंगे, 4 हो गए, ये 5 हो गए। ये देखिए, 5 फंदे हमने इसमें बढ़ा लिए हैं। एक बार फिर से डालेंगे,
देखिए ये हमारे 7 फंदे हो गए। अब हम इसको ऐसे निकाल देंगे। ये देखिए ऐसे हमारे यहाँ पे फंदे बढ़ जाएंगे। मार्कर अब हम हटा देंगे और ये भी हम, अगर आपको फ्रेंड्स यहाँ पे छोटा फ्लावर बनाना है, कम फंदे बढ़ाने हैं, तो आप यहाँ पे 5 फंदे भी बढ़ा सकते हैं। छोटा फ्लावर बना रहे बेबी का बिल्कुल ही, तो आप यहाँ पे 3 फंदे भी बढ़ा सकते हैं। और ये आगे के 25 फंदे मैं ऐसे ही सीधे सीधे बना के इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए सारे फंदे हमने सीधे बना लिए हैं। इसको पलट लेंगे। अब हम इस साइड से भी देखिए फ्रेंड्स, हम इनको ऐसे ही बनाएंगे उल्टा उल्टा। ध्यान से देखिए, ये देखिए पूरी रो में ऐसे ही उल्टे उल्टे बनाऊंगी। एक बार इस रो को आपको दिखाऊंगी, फिर हर बार आपने ऐसे ही बनानी है। बीच में हमारे फ्लावर में फंदे बढ़ते जाएंगे हर बार। ये देखिए बहुत इजी डिजाइन है, बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद। ये देखिए अब इन फंदों को भी आप आराम से ऐसे बनाइए, कोई भी आपका फंदा मिस ना हो जाए। ये देखिए सारे फंदे आप ऐसे बनाइए, एक एक फंदा। ये देखिए और आगे के फंदे भी हम ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के मैं इस रो को कंप्लीट करूँ। ये देखिए ये रो हमने कंप्लीट कर ली है। एक कलर से हम 2 रो ही बनाएंगे। अब दूसरा फिर से मैं इसमें दूसरा कलर लगा लूँगी। ये देखिए ये पूरी रो हम ऐसे ही बनाएंगे, इसमें हम कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। ये सारे फंदे मैं ऐसे ही इस रो को सीधा सीधा बना के कंप्लीट करूँ। देखिए ये रो भी मैंने सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। पलट लेंगे। इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, उल्टी साइड है लेकिन हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। इस रो को मैं ऐसे ही कंप्लीट करूँगी। ये देखिए ये रो भी मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। एक कलर से मैंने पहले भी बताया है, 2 रो ही बनाएंगे हम। फिर से अपना वाइट कलर लेंगे। एक फ्लावर और बना के दिखाऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको। तो पहली बार हमने दोनों फंदों का हाफ हाफ किया था, तो हमारे यहाँ पे 25 फंदे थे। अब फ्रेंड्स जब हम ये फ्लावर बनाते हैं तो इसमें हमारे देखिए एक फंदे से हमने यहाँ पे 7 फंदे बनाए थे, तो 3 फंदे हमारे इस साइड बढ़ गए, 3 इस साइड बढ़ गए। बीच सेंटर पे हम हर बार फ्लावर बनाएंगे। तो पहले मेरे 25 थे, अब मैं यहाँ पे 3 फंदे आगे और काउंट करूँगी। तो देखिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। अब ये देखिए एक फंदा ये, 1, 2 और 3, 3 फंदे हम ये बड़े हुए। ये देखिए हमारे बीच सेंटर का है फ्रेंड्स, ये 3 हमारे पिछली बार के बड़े हुए फंदे जो हमारे फ्लावर से बढ़ गए थे, और 25 फंदे हमारे ये हैं। तो फिर से हम एक बार और ध्यान से देखें, फिर से हम फ्लावर बनाएंगे तो इस वाले होल में से एक रो नीचे से ऐसे हम इसमें नीडल डालेंगे। देखिए 1 लपेटेंगे,
दो, फिर से बनाएंगे, देखिए चार, लपेट लिया पांच, बना दिया छः, एक बार मैं और दिखाऊंगी फ्रेंड्स, सॉरी, ये देखिए एक दो, ध्यान से देखिए, तीन चार और ये पांच और ये छः और ये सात, ऐसे हम इसमें, और अब इसको हम निकाल देंगे। तो ये देखिए फिर से हमने यहाँ पे सात फंदे बढ़ा लिए हैं और आगे के फंदे हम ऐसे ही उल्टे उल्टे बना देंगे, सॉरी सीधे सीधे बना देंगे। तो इस पूरी रो को मैं ऐसे ही बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस साइड के भी मैंने फंदे बना लिए हैं, पलट लेंगे एक बार और देख लीजिए। एक एक कलर से हम दो रो ही बनाएंगे। ये देखिए मैं फ्रेंड्स बीच फ्लावर तक ये मैं यहाँ तक आ जाती हूँ, फिर मैं आपको एक बार रो दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ तक मैंने ये बना लिए हैं। अब देखिए इनको भी आप ऐसे ही बनाइए, एक एक फंदा आप ऐसे आराम से बनाइए, कोई बीच में छूट ना जाए। ये देखिए सातों ही फंदे हम ऐसे बना लेंगे आराम से, और ये आगे के फंदे भी मैं ऐसे ही सीधे सीधे बना के रो को कंप्लीट। ये देखिए फ्रेंड्स अब फिर से हम अपना ये कलर इसमें लगा लेंगे। तो देखिए ऐसे ही हम हर कलर से दो दो रो बनाते जाएंगे, बीच में फ्लावर बनाते जाएंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स मेरे यहाँ पे 25 फंदे थे, फिर मेरे ऊपर तीन फंदे बढ़ गए। इस लाइन में मैंने जब फ्लावर बनाया था तो मैंने यहाँ पे 28 फंदे बनाए थे। जब आप अगला फ्लावर बनाओगे, अगर मेरे जितने फंदे डालोगे तो तीन उसमें और ऐड कर लेना, 31 फंदे हो जाएंगे। दोनों साइड से तीन तीन फंदे आपके बढ़ते जाएंगे, और फ्रेंड्स यहीं से हमारी पैर की लंबाई बढ़ेगी। अगर आपको बड़ी बनानी है तो ये फ्लावर आप ज़्यादा बना लीजिए, ज़्यादा फ्लावर बनाओगे आपके फंदे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही हम इसको बना के मैं ऊपर कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको इतना बना लिया है, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः फ्लावर मैंने इसमें बनाए हैं। और ऊपर हमारे इस साइड भी 43 फंदे हो गए, इस साइड भी 43 फंदे हो गए, 43 43 फंदे दोनों साइड हो गए, और एक हमारे बीच का सेंटर का है। ये देखिए तो फ्रेंड्स अभी मैं ये वाइट वाला थ्रेड काट दूंगी, आप इसके यहाँ पे नोट लगा दीजिए, इसके पक्का कर लीजिए। और अभी मैं ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करूँगी। ये देखिए पूरी रो में ऐसे ही इसी कलर से बनाऊंगी। अब वाइट हम यूज नहीं करेंगे ऊपर। पूरी रो मैंने सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट कर ली है। अब इसको हम पलट लेंगे, इस साइड से भी हम इस रो को ऐसे ही उतारेंगे। पूरा डिज़ाइन होने के बाद ये मैंने इसमें दो रो ऐसे ही उतारी हैं। तो मैं इस रो को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए ये पूरी रो मैंने, दो रो मैंने उतार ली हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, अब हम फंदों को हाफ करेंगे। आपके जितने भी फंदे हों आप सारे फंदे हाफ कर लीजिए। ये मेरे पास 43 फंदे एक साइड होंगे, 43 फंदे एक साइड होंगे, और एक हमारा फंदा बीच का होगा। तो मैं 43 फंदे इस नीडल पे ले लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 43 फंदे मेरे इस साइड मैंने ले लिए हैं 43, और एक फंदा ये हमारे बीच का है, एक्स्ट्रा है, और 43 फंदे हमारे इस साइड है, एक फंदा एक्स्ट्रा है। आप इस एक फंदे को ऐसे भी कर सकते हो। ये देखिए
ये मैंने एक वापस खोल दिया, इस फंदे का हम यहाँ पे दो का एक करेंगे। ये देखिए अब हमारे फंदे 43 इस साइड है, 43 इस साइड है, बीच का फंदा हमने यहाँ पे दो का एक कर दिया। अब देखिए अब हम इसी साइड के फंदे ये बनाएंगे और ऐसे ही बनाएंगे सीधे सीधे। ये देखिए तो फ्रेंड्स मैं ऊपर इसमें 16 रो बनाऊंगी, इस रो को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स दो रो मैंने बना ली हैं ऊपर, 14 रो मैं इसमें और बनाऊंगी। तो फिर एक साइड का बनाने के बाद यहीं से हम वापस मुड़ जाएंगे, एक यहाँ तक मैं बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं इसमें एक रो मैंने उतार ली है, इसमें मैं 15 रो और उतारूंगी, सीधा सीधा बनाऊंगी दोनों साइड से। फिर हम इस साइड का बनाएंगे, यहाँ पे हम थ्रेड को जोड़ लेंगे और इस साइड भी हम ऐसे ही सीधा सीधा ये फंदे बना लेंगे। तो मैं दोनों साइड का फ्रेंड्स बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। ये देखिए एक साइड का मैंने इसको बना लिया है। ये देखिए ये दो हमने, ये हमारी डिजाइन की रो थी, इसके बाद हमने ये एक रो और उतारी और ऊपर ये हमने फंदे यहाँ से डिवाइड कर दिए थे। तो देखिए ऊपर की ये लाइन होगी हमारी, यहाँ से गिनूंगी मैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और ये टोटल नीचे तक हो गई यहाँ तक 10। तो ये मैंने ऊपर 16 रो बना ली है। थ्रेड देखिए मैंने थोड़ा सा रख लिया है जो हमें फंदे वाइंड ऑफ करने में काम आएगा। और अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ पे मैंने थ्रेड को यहाँ पे नोट लगा ली है, इसको भी हम ऐसे ही सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए एक बार मैं आपको स्टार्टिंग करके बता दूं, दोनों साइड से हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। ये देखिए इस रो को मैं कंप्लीट करूंगी। ये देखिए ये भी मैंने पूरी कर ली। अब इसको पलट लेंगे और इस साइड से भी ऐसे ही उल्टा उल्टा बनाएंगे। दोनों साइड से हमने इसको ऐसे ही बनाते हुए, ये देखिए तो ऐसे ही फ्रेंड्स मैं इसमें टोटल 16 रो बनाऊंगी। एक मैंने उतार ली है, दूसरी की मैंने स्टार्टिंग कर ली है। ये देखिए तो बिल्कुल सेम हम ऐसे ही इस साइड भी बना लेंगे। तो मैं इसे कंप्लीट करूंगी, फिर मैं आपको आगे का बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से फ्रेंड्स इसकी लुक आई है। अगर आपको साइज बड़ा करना है तो ये फ्लावर आप ज़्यादा बना लीजिए। ये फ्लावर ज़्यादा बनाओगे तो साइडों में फंदे ज़्यादा बढ़ेंगे, फंदे बढ़ेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा लंबा बन जाएगा, जो कि हमारे पैर की यहाँ पे लंबाई आती है। अब देखिए दोनों मैंने बराबर बराबर बना लिए हैं। अब ये हम सारे फंदे बंद करेंगे। तो एक बार देख लीजिए हम बंद कैसे करेंगे। दोनों साइड के फंदे मैं ऐसे ही बंद करूंगी। ये देखिए दो का एक किया, वापस डाल लेंगे, फिर से दो का एक कर देंगे, वापस डाल लेंगे, दो का एक करेंगे, वापस डाल लेंगे, दो का एक करेंगे। ये देखिए सारे ही फंदे मैं ऐसे बंद कर लूंगी। ये देखिए ऐसे हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो मैं ये सारे फंदे ऐसे दो का एक करती हुई वाइंड ऑफ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँ। ये देखिए सारे फंदे मैंने बंद कर दिए हैं। ये लास्ट वाले को ऐसे हम पक्का कर देंगे। ये देखिए इसको थोड़ा सा काट लेंगे सिलाई के लिए रख के। ये देखिए ऐसे हमारे इसके सारे फंदे बंद हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इस साइड से भी हम अपने फंदे ऐसे ही बंद करेंगे। ये देखिए ऐसे ही दो का एक करती हुई वापस डालूंगी और फिर से दो का एक करेंगे। इस साइड के भी फंदे मैं सारे ही बंद कर लेती हूँ। ये देखिए इस साइड का भी मैंने बंद कर लिए हैं सारे फंदे। ये देखिए
अब देखिए ऐसी इसकी फ्रेंड्स इसकी लुक आई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे तो देखिए सीधी साइड का हिस्सा अंदर करेंगे, ऐसे हम इसको कर लेंगे, ऐसे हम इसकी सिलाई करेंगे। फ्रेंड्स देखिए जितना पार्ट हमारा ये है इतना ही पार्ट हम यहाँ पे खुला रखेंगे, बिल्कुल सेम जैसी लंबाई ये है इतनी ही यहाँ पे रखेंगे। यहाँ तक मैं इसकी सिलाई करूँगी, इसको हम अलग से सिल लेंगे। ये नीचे का हिस्सा ऊपर से सिलते हुए आएंगे, यहाँ से स्टार्टिंग करूँगी और ऐसे करते हुए हमने यहाँ तक इसकी सिलाई करनी है। तो मैं सुई में थ्रेड डाल लेती हूँ। देखिए ऊपर से हम इसकी यहाँ से सिलाई करेंगे और नीचे फ्रेंड्स देखिए बिल्कुल हम ऐसे लाइन से लाइन इसकी मिलाएंगे, वाइट के साथ वाइट और पिंक के साथ पिंक, ऐसे लाइन बिल्कुल। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, यहाँ से ऊपर बिल्कुल हम इसकी सिलाई करेंगे। यहाँ से आप इसको दो तीन बार अच्छे से पक्का कर लीजिए। ये जो बिल्कुल ऊपर की जो हम ये लाइन बनाते हैं, एक फंदे उधर उस साइड से एक ही साइड से जो हम वो बिना बना उतारते हैं, तो हमारी ये चेन सी बनती जाती है। इस चेन का ही हमने दोनों साइड से एक एक फंदा उठाना है और इसकी सिलाई आराम से फिनिशिंग के साथ करनी है। अब देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पे हमने देखिए वाइट के साथ हमने अपनी वाइट लाइन मिलानी है, पिंक के साथ पिंक, ऐसे लाइन मिलानी है, ऐसे लाइन मिला के ऐसे पकड़ना है और फिर हमने इसकी सिलाई करनी है। तो मैं इसकी यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ तक मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ, यहाँ तक, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है। अब देखिए ये इतना हिस्सा हमने इस साइड का छोड़ दिया है, इसको अब हम ऐसी सिलाई करेंगे। ये देखिए ऐसे बिल्कुल इसके कॉर्नर मिलाते हुए पहले हम एक साइड की सिलाई करेंगे। जैसे भी आप सिलते हो, जो भी आपका तरीका है वैसे ही सिलिए, लेकिन आराम से ज़्यादा लूज भी नहीं सिलाई करनी, ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी। ये देखिए आगे से थोड़ी सी हम इसकी गोलाई कर देंगे। और इसी थ्रेड को मैं अब नीचे ले आऊँगी। आप इसको काट के दूसरी साइड दूसरा थ्रेड भी लगा सकते हो। मैं इसी को अंदर ही अंदर नीचे ले आई। अब हम इस साइड की सिलाई कर देंगे। कॉर्नर ऐसे मिला लीजिए। इसकी भी हम थोड़ी सी आगे से गोलाई कर देंगे ताकि हमारे पैर की अच्छी शेप आए। और अब हम इस थ्रेड को थोड़ा सा अंदर करके देखिए, अब हम इसे अंदर करके काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सफाई के साथ हमारी इसकी सिलाई हुई है। ये देखिए बैक साइड से देखिए बिल्कुल ऐसी लाइन से लाइन हमारी मिली हुई है। ये हमारी एडी की शेप है। अभी मैं आपको इसको सीधा करके दिखाऊंगी। ये देखिए पैर में डाल के दिखाऊंगी फ्रेंड्स मैं आपको कि बहुत ही ज़्यादा देखिए स्ट्रेचेबल है। ये देखिए ये 5 और 6 नंबर पैर में बहुत ही आसानी से आ जाएगी। ये देखिए
बहुत ही सुंदर फ्रेंड्स इसकी शेप आई है। ये देखिए, ये हमारी एडी का हिस्सा है, ये पीछे बैक साइड, ये देखिए पूरा पैर आपका इसमें कवर हो जाएगा और किसी भी चप्पल या स्लीपर में आप इसे पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स ये सॉक्स कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नई डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।